हाँ, तो वेन लाइट वेव, ये डेफिनेशन लिखनी है बेटा। वेन लाइट वेव इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ऑब्स्टेकल, द वेव्स बेंड राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब जहां पे शेडो होनी चाहिए थी वहां पर बेंड होके लाइट पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, इन अदर अनदर वर्ड, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैक्शन आप बता सकते हैं? एक ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, कहीं पे भी शेडो बनती है तो शेडो देखो कॉर्नर्स उसके हमेशा, आप देख रहे हो शेडो बन रही है यहाँ पे, या पेन की बनेगी क्या, इसके कॉर्नर्स देखो आप, शेडो के कॉर्नर्स कभी भी शार्प नहीं होते हैं। दिख रही है आप सबको शेडो, इसमें इस पेन की जो शेडो बन रही है इसके कॉर्नर देखो हमेशा उनमें क्या लाइट सी है, थोड़ी शार्प कॉर्नर्स नहीं होते हैं शेडो के, क्यों, लाइट बेंड होके वहां पर एंटर कर जाती है। यहाँ पे पूरी कंप्लीट शेडो होनी चाहिए थी बट ऐसा नहीं है, आप देखो इस शेडो के कॉर्नर्स देखो, वहां पे थोड़ी थोड़ी लाइट दिख रही है आप सबको, बहुत शार्पली डिफाइन नहीं होते हैं कॉर्नर्स जो होते हैं शेडो के कभी, ठीक है ना। तो वो शेडो के जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्पली डिफाइन नहीं है, उसका रीजन भी यही डिफ्रैक्शन है कि लाइट बैंड होके वहां पर एंटर कर जाती है, जहां पर कंप्लीट शेडो होनी चाहिए तो वहां पर आपको थोड़ी थोड़ी लाइट दिखने लग जाती है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन का आपका। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं आप, बोर्ड में एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, हाउएवर इफेक्ट्स आर विजिबल ओनली इफ वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ द डिफ्रैक्शन डिवाइस। वही मैंने आपको बताया कि ऑब्स्टेकल या होल का जो साइज है, जब तक वो बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, जब तक लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा रहेगा, तब तक कोई डिफ्रैक्शन इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उस साइज को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा, तब जाके वेव फ्रंट जब आप ड्रॉ करोगे तो वो स्फेरिकल होगा। देन वेव लेंथ ऑफ लाइट वेव इज मच स्मॉलर देन डायमेंशन ऑफ मोस्ट ऑब्स्टेकल्स, वी डोंट एनकाउंटर डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स ऑफ लाइफ इन एवरी डे ऑब्जर्वेशन। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ड्यू टू डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स वी कैन हियर साउंड फ्रॉम द अनदर रूम बट वी कैन नॉट सी ए पर्सन इन द अनदर रूम। तो आप इसमें से एग्जाम्पल डेफिनेशन जो चाहें सब लिख सकते हैं, ये सब बोर्ड में लिखने के लिए बने, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट उस पर आता हूँ, एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे आता हूँ कि और क्या क्या, देखो क्वेश्चन ये आता है बेटा बोर्ड में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अब इसको डील करेंगे हम। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिराइव फार्मूला फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और कंडीशन भी आती है इसमें, चलो केवल फार्मूला ही पूछ रहा था विड्थ का, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का, बट कंडीशन भी प्रॉपर निकालने को आती है। इफ विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड ट्वाइस देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो ये सब अभी देखेंगे अभी अपन, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफ्रैक्शन में, फिर कह रहा हूँ बेटा जैसे मैक्सिमम मिनिमम वहां पे थे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी बनते हैं, ठीक है। उनका जो प्लॉट होता है इंटेंसिटी का, जो इंटेंसिटी के वेरिएशन का प्लॉट है वो थोड़ा सा अलग हो गया, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये होता है इंटेंसिटी का प्लॉट डिफ्रैक्शन, इस तरह का होता है, ये वाला आपका इंटेंसिटी है और ये वही साइन थीटा, ठीक है, ये आपका वही साइन थीटा है और ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है। बी क्या है यहां पर, स्मॉल बी, ध्यान रखिए स्लिट की विड्थ यूज कर रहा हूं बेटा, स्मॉल बी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, बहुत अलग वो नोटेशन यूज किया है इसलिए बहुत जगह स्लिट विड्थ भी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपन कंबाइन भी करेंगे इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन को, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब हर स्लिट पे डिफ्रैक्शन हो ही रहा है वाईडीएसी में भी, ठीक है। तो ध्यान रखिए मेरा नोटेशन, मैं स्मॉल बी को क्या यूज कर रहा हूँ, स्मॉल बी स्लिट की विड्थ है अपनी, ठीक है, स्मॉल डी वाई डी एस सी में दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस थी, और कैपिटल डी इसमें भी वही है स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस, वहां भी वही थी तो उसके लिए कैपिटल डी यूज करूंगा। बट इंटेंसिटी और साइन थीटा का प्लॉट देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा है जहाँ पे इंटेंसिटी बाकी मैक्सिमा से ज्यादा है और आगे के मैक्सिमा पर इंटेंसिटी कम भी होती जाती है बेटा, ठीक है, जैसे जैसे आप दूर चलेंगे। ओ पॉइंट का मतलब वही है, देखो आपका इसमें एक बार देख लो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, देख लो इस तरह का होता है बेटा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। डिफ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, फ्रिजनल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तो हमारे कोर्स में सिर्फ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। फ्रॉनहोफर मतलब कि आपकी स्लिट पर जो वेव गिर रही है
वो मतलब प्लेन वेव गिर रही है, प्लेन वेव गिर रही है मतलब वेव फ्रंट कैसा है, प्लेनर है, इस तरह की वेव गिर रही है पैरेलल। तो कैसे बनाया गया, देखो आपको ये बोर्ड में बेटा यही डायग्राम ड्रॉ करना है, जब भी डिफ्रैक्शन का आपको एक्सप्लेन करने को आता है, ठीक है, डायग्राम आपका यही रहेगा कि यहाँ पर आप एक लेंस दिखाओगे, उसके फोकस पे रखोगे तो यहाँ पर वेव्स एकदम पैरेलल हैं। अब ये हमारे कोर्स का डिफ्रैक्शन हो गया, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन आ गया, जबकि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है स्लिट पर। स्लिट बहुत छोटी है जिसको बहुत बड़ा दिखा दिया है मैंने, ए और बी स्लिट है आपकी, ठीक है, बी वेट है, देखो मैंने कहा था स्लिट की विड्थ मैंने स्मॉल बी ले रखी, क्लियर है। और ये लेंस का पर्पस कुछ नहीं है, जस्ट ये आपको एक पर्टिकुलर एंगल पर जाने वाली वेव्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देगा बस, ये है इसका, ठीक है ना, और कोई हम इसका एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, और कोई एनालिसिस इसका नहीं करेंगे। इस लेंस का पर्पस है कि पर्टिकुलर बस एंगल पर जाने वाली सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फोकस कर देगा। बट बोर्ड में बेटा डिफ्रैक्शन में यही डायग्राम बनाना है, एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ है फिर कह रहा हूँ, बट चलता यही है बोर्ड में, ठीक है ना, एनसीईआरटी ने गड़बड़ कर दी इसमें, लेकिन आपको यही डायग्राम बनाना है, यही डायग्राम है बोर्ड के लिए। ये दो लेंसेज दिखाने हैं L1 L2, इस पर प्लेन वेव फ्रंट गिरना चाहिए, ये वही आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन की डिस्टेंस वही बोलेंगे कैपिटल डी, कैपिटल डी स्क्रीन है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर जो पैटर्न दिखेगा वही दिखेगा, लाइट अंधेरा लाइट अंधेरा, बट सारे जो मैक्सिमा वाले पॉइंट है उन पे इंटेंसिटी सेम नहीं होती है। देख लो आप ये वाली विड्थ कितनी है लेमडा बाई बी, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है 2 लेमडा बाई बी, वहां पे ऐसा नहीं था इंटरफ्रेंस में, इंटरफ्रेंस में फ्रिंज विड्थ कॉन्स्टेंट थी, ठीक है, इसमें जो सेंटर वाली जो मैक्सिमा वाला होगी फ्रिंज उसकी विड्थ ज्यादा है, दुगनी है बाकी सबसे, कितनी है 2 लेमडा बाई बी आ रहा है, देखो साइन थीटा, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट थीटा पर है, डिफरेंट डिफरेंट थीटा के साथ इंटेंसिटी का वेरिएशन, थीटा साइन थीटा 0 का मतलब ये है वो पॉइंट, ये वो पॉइंट पर ही सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ध्यान रखिए जैसे वहां होता था, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब वो पॉइंट ही है यहाँ पर, ठीक है ना, वो पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा कैसे है, फिर दो तरह से एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से समझिए, ये मैं बोर्ड में कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं पूरा आपको डिराइव करा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा है और आगे इन पॉइंट्स पर भी मैं इंटेंसिटी निकलवा दूंगा, ठीक है, बट वो सब बोर्ड में नहीं है कि हर पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, ये सब वेरिएशन का बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है बेटा अप्रोच, दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। बोर्ड में अगर जो आपको बाद में बताऊंगा वो लिख दोगे तो हो सकता है कुछ नंबर ना मिले आप, बोर्ड में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी वाला जो मेथडोलॉजी है डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने की वही लिखनी पड़ेगी आप, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज फॉर स्टडी ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए सिंगल, ऐसे ये पॉइंट्स भी लिख रखे हैं मैंने एकदम, कैसे लिखने हैं आपको, ठीक है, ये आपकी ए बी वो विड्थ स्लिट है जिस पर कि प्लेन वेव फ्रंट गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पैटर्न स्क्रीन पर दिख रहा है, जो स्क्रीन का सेंटर है वो स्टिल आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज फॉर स्टडी ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट इज शोन इन द फिगर, कैपिटल एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हेल्ड एट द फोकस ऑफ लेंस L1, ठीक है, और फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट विद वेव फ्रंट डब्लू डब्लू डैश, ये आपका वेव फ्रंट डब्लू डब्लू डैश बता ही दिया, इंसिडेंट्स ऑन द स्लिट ए बी, ए बी स्लिट पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, एज विड्थ ऑफ द स्लिट ए बी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट देयरफॉर डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू द स्लिट, तो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप अरेंजमेंट में बहुत पूछता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना के दो एक्सप्लेन करो, तो यही है एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिफ्रैक्शन का, और कुछ नहीं लिखना है आपको, बस एक लेंस होता है इसके फोकस पे सोर्स रखा हुआ है, प्लेन वेव फ्रंट गिरता है, ठीक है, और डब्लू डब्लू डैश आपका वेव फ्रंट बता दो, ए बी का ऑर्डर वेव लेंथ का है तो डिफ्रैक्शन होता है आपका, ठीक है, बात क्लियर है। अब बात आती है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसी होगी, ओ पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसे बन रही है, तो है बेसिकली सुपर पोजिशन ही है बेटा, देखो कैसे मैं इसमें बहुत सारे सोर्सेज मिलकर बना हुआ मान सकता हूँ, स्लिट में बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज है, हाइगन ऐसे ही कह के गया था हमको, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सारे सोर्सेज मान सकते हैं, ठीक
ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर क्यों मैक्सिमा है ये हम बिल्कुल सुपर पोजिशन से ही एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सारे सोर्सेज एक ही सोर्स से तो बन रहे हैं, तो इसका मतलब सारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है ना, मतलब सबके लिए फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो आप कैसे लिखोगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में कि एक्सप्लेन करो कि वो पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी, ठीक है? तो कैसे करेंगे, देखो, फॉर एनी पॉइंट ऑन द पार्ट सी ए ऑफ द स्लिट, यहाँ पर कोई भी सोर्स होगा बेटा, समझ रहे हैं आप? मैं दो पार्ट कर लेता हूँ स्लिट के, ए सी और सी बी। ए सी और सी बी दो पार्ट कर लिए मैंने, ए और सी के बीच कोई भी सोर्स होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे पार्ट में, सी बी पार्ट में, ए सी पार्ट का कोई भी सोर्स है कॉरस्पॉन्डिंग सी बी पार्ट में एक जरूर मिल जाएगा, जो कि जिसके साथ उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से सारे एम्पलीट्यूड के वेक्टर इन सब सोर्सेस के एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, और क्योंकि हर सोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी इमेज यहाँ मौजूद है जिसके साथ उसका फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। ठीक है, आप कोई सा भी ले लो, आपने एक सोर्स लिया उसका वेक्टर बनाया, तो दूसरा सोर्स है जिसके साथ, हर सोर्स के साथ सारे एम्पलीट्यूड सबके सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो इन सारे सोर्सेस का सुपर पोजिशन का यहाँ पे मतलब है कि फेज डिफरेंस क्या है उनमें, जीरो है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, फॉर एनी पॉइंट ऑन द पार्ट सी ऑफ द स्लिट देयर इज सिमेट्रिक पॉइंट ऑन द सी बी, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एमिटिंग फ्रॉम टू सच पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट एंड रीचिंग एट पॉइंट ओ विल बी जीरो, इनमें पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, सो देयर विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। तो इसलिए आपकी ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि सारे सोर्सेस का मिरर इमेज वहां पे है जो कि फेज डिफरेंस जीरो कर रहा है, तो इसलिए आप किस ओ पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमा ही होगा बेटा, तो और इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। ठीक है, अब मिनिमा की बात करते हैं, हम कंडीशन ऑफ